हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का दूसरा बजट आज पेश किया। सीएम ने 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार का बजट पिछले बजट से 13% ज्यादा है। इस बार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर मुख्य फोकस रहा। बात शिक्षा की करें तो इस क्षेत्र के लिए 18,410 करोड़ के बजट का प्रावधान है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,606 करोड़ के बजट का प्रावधान है। इसके अलावा कृषि एवं किसानों के विकास के लिए 6,110 करोड़, सिंचाई के लिए 5,081 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ बजट में SYL निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सरकार ने बजट में बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में बुजुर्ग पेंशन में 250 रूपये की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 2,250 रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये कर दी गई है। वहीं बजट में राजस्व खर्च के लिए 1,16,927 करोड़ का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं, जो के संशोधित अनुमान 2020-21 के 1,37,738 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। बजट परिव्यय में 25% अर्थात 38,718 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व रूप में शामिल है, राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,55,645 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 45,066 करोड़ रुपए राज्य में क्रियान्वित की जा रही SDG से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिनका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है। हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार और कृषि क्षेत्र सहित आधारभूत ढांचे में निवेश के लिए काम करती रहेगी। हम ऋणी हैं किसानों के, जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से हरियाणा को देश का खाद्यान्न भंडार बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय दुगुनी करने और उनका कल्याण में उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत शोषण तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, गुणवत्तापरक आदानों, उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि की उपलब्धता, क्षारीय और लवणीय जल भराव वाली मृदाओं का सुधार, जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण, खेत में जल प्रबंधन, फार्म मशीनीकरण को प्रोत्साहन, क्षेत्र की कवरेज और उपज का आंकलन, फसल विविधीकरण तथा फलों व सब्जियों को प्रोत्साहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कोविड महामारी नियंत्रित करने से प्रयासों में कोई और कसर नहीं छोड़ी है। महामारी का मुकाबला करने के लिए 956 नियमित डॉक्टर, 206 आयुष चिकित्सा अधिकारी इनकी भर्ती, इस वित्त वर्ष के दौरान 350 चिकित्सा अधिकारी और 60 दंत चिकित्सा अधिकारियों को नए प्रदेश पद सृजित किए जाएंगे, ताकि राज्य को अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध करवाए जा सकें। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा में सामाजिक आर्थिक जाति गणना जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में 15.51 लाख परिवार पात्र हैं। अब तक 7.83 लाख परिवारों को कुल 22.96 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत 2.05 लाख मरीजों को 245 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। हरियाणा में तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य कुशल मानव शक्ति पैदा करना है, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उद्योग और समाज के लिए प्रासंगिक हो। IIM रोहतक, NIT कुरुक्षेत्र, सोनीपत में IIT दिल्ली का विस्तार परिसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुरथल और SIIT झज्जर, रेवाड़ी, नीलोखेड़ी जैसे विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। मैं बजट अनुमान 21-22 में 18,410 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमान 2020-21 के 15,629 करोड़ रुपए से 17.8% अधिक है।
18,410 करोड़ रुपए में से 9,000 करोड़ रुपए प्राथमिक, 6,899 करोड़ रुपए माध्यमिक, 2,793 करोड़ रुपए उच्चतर और 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सक्षम हुए हैं। कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की विश्वभर में सराहना हुई है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता और कौशल में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति है। भारत सरकार ने लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपए के संचित वित्तीय प्रोत्साहन के साथ चरणों में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। हरियाणा ने भी कोरोना संक्रमित लोगों को कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके तथा समाज के जरूरतमंद वर्गों तक राहत पैकेज जैसे कि भोजन, नकदी और अन्य मूलभूत वस्तुएं और सेवाएं तेजी से पहुंचाकर कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में काफी अच्छा काम किया है। हमने कोरोना के कारण केवल 1.11% मृत्यु दर के साथ लगभग 98% रिकवरी दर हासिल की है। पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इस वर्ष के बजट का मुख्य केंद्र बिंदु है। मध्यावधि परिव्यय ढांचे MTEF के रूप में 8,585 करोड़ रुपए की मुक्त निधि के आवंटन द्वारा इसकी संरचना में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। विकास की गति को तेज करने में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों और रियल एस्टेट निवेश न्यासों के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण, मानेसर के निकट ग्लोबल सिटी, जिला सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी सरकार की कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं हैं। हमारी सरकार ने 5,080 गांव में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की है और वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान इसका अन्य गांव में भी विस्तार करने का प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष मैंने राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के विचारों और सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए उनके साथ पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 सुझावों को पिछले वर्ष बजट में शामिल किया गया। आइए ग्राफिक्स के जरिए ये देख लेते हैं कि इस मनोहर बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान है। शिक्षा का कुल बजट 18,410 करोड़ रुपए है। इसमें 192 करोड़ रुपए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त, सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम के साथ टैबलेट का भी प्रावधान रखा है सरकार ने। 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बजट में सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। MDU, KU और KG से PG प्रणाली, ये दोबारा पढ़ना होगा। पॉलिटेक्निक मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान को लेकर प्रावधान है। कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में एलुमनी सप्ताह आयोजित होंगे। शिक्षा का जो कुल बजट है वो 18,410 करोड़ का है। 192 करोड़ रुपए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, 9वीं 12वीं तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम। अगर कुछ छूट गया है तो दोबारा ग्राफिक्स दिखा रही हूँ। डिजिटल क्लासरूम के साथ टैबलेट का प्रावधान है। 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य है। सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा तय किया है सरकार ने। MDU, KU, KG, PG प्रणाली शुरू होगी। महर्षि दयानंद से और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में KG और PG प्रणाली शुरू होगी, इसका भी प्रावधान है। और शिक्षा के बाद आइए इस मनोहर बजट में जरा स्वास्थ्य को लेकर क्या सौगातें दी गई हैं देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 4,606 करोड़ का प्रावधान है इसमें। कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए 238 करोड़ रुपए, खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 42 करोड़, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 2,136 करोड़ रुपए, आयुष विभाग के लिए 315 करोड़ रुपए,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,606 करोड़ रुपए, कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए 238 करोड़ रुपए, खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 42 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 2136 करोड़ रुपए, आयुष विभाग के लिए 315 करोड़ रुपए,